ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी तितली का रस हर कोई पीना चाहता था और उसके साथ घपा घप्पी करना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हम एक नाइट क्लब के बाहर रीमा को देखते हैं, जो कि एक आदमी से लेने देने की बात कर रही थी। रीमा इस क्लब की सबसे सेक्सी लड़की थी, इस वजह से उस पर काफी पैसा था और उसके बहुत ज्यादा क्लाइंट थे जो उससे कभी भी घपा घप कर लेते थे। अब इस क्लाइंट से संभोग करने के बाद भी रीमा अपनी फ्रेंड लीला से मिलती है, जो अपने फेवरेट क्लाइंट जैकब के ना आने से बहुत दुखी थी। अब लीला की बात सुनने के बाद रीमा नाइट आउट करने के लिए क्लाइंट के पास जाती है। तभी रास्ते में रीमा को उसके भाई टोनी का कॉल आता है। वो उसे बताता है, मॉम की तबीयत खराब है और तूने मुझे ट्यूशन की फीस भी नहीं भेजी है। रीमा उससे कहती है कि मैं कल घर आकर सबकी परेशानी दूर कर दूंगी। इसके बाद रीमा अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाती है, जिसका नाम जॉर्ज होता है। रीमा के आते ही जॉर्ज का हथियार खड़ा हो जाता है और अब औजार चलने के लिए एकदम रेडी था। रीमा अपनी टांगे खोल लेती है और उसकी जॉर्ज उसकी गुफा को छलनी कर देता है। अब रीमा का जोशीला जोश देखकर जॉर्ज उसका दीवाना हो जाता है और उसे काफी ज्यादा पैसे देता है। रीमा वो पैसे लेकर सुबह अपने घर जाती है और अपनी मॉम को इलाज के पैसे और टोनी को उसकी ट्यूशन फीस भी दे देती है। अब रात भर पिलने के बाद रीमा बहुत थकी होती है तो आराम करने के लिए जाती है कि तभी उसे मिलने उसकी सहेली लिली आ जाती है। लिली को भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए रीमा उसे भी कुछ पैसे उधार दे देती है। वहीं शाम को रीमा के बॉयफ्रेंड बॉब का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए हॉस्टल में बुलाता है। बॉब पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा रीमा देती थी। इसके बाद रीमा हॉस्टल में आकर बॉब के साथ घपाघप करती है। दूसरी तरफ जॉर्ज अपने डिटेक्टिव दोस्त से रीमा की सारी जानकारी निकलवा लेता है, पर उसमें उन्हें रीमा के बॉयफ्रेंड बॉब की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। वैसे जॉर्ज एक अमेरिकन एजेंसी के लिए काम करता है, इसलिए उसके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन डिवोर्स होने की वजह से जॉर्ज की लाइफ में प्यार की कमी हो गई थी, इसीलिए उसे रीमा का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उसे रीमा के करेक्टर और लचीले बदन से प्यार हो गया था। तो इसीलिए वो रीमा को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलाता है, जहां वो रीमा को समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रहना चाहता हूं। इसके लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी लचीली बॉडी कपड़ों की जगह पैसों से भर जाएगी और मैं तेरी फैमिली के सभी खर्चों को संभाल कर तुम्हारी मॉम का भी इलाज करा दूंगा। अब इतना बड़ा ऑफर देखकर रीमा एक सेकंड में हाँ कर देती है और जॉर्ज से कहती है, मेरा जिस्म और मेरी रूह अब तुम्हारी है। फिर वो अपनी मॉम और भाई को बताती है, जिससे वो बहुत ही खुश होते हैं। रीमा जब वापस अपने घर आती है तो टोनी उसे बताता है कि बॉब बस तेरा फायदा उठा रहा है, वो साला सिर्फ लड़कीबाज है। पर रीमा टोनी की बातों को इग्नोर करके वापस से जॉर्ज के पास आ जाती है, जहां जॉर्ज उसे गुड न्यूज देता है कि मैं तुम्हारी मॉम की किडनी ट्रांसप्लांट करवा दूंगा। इसके लिए तुम्हें या तुम्हारे भाई को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक दोस्त डिटेक्टिव है जो कि किसी डोनर का इंतजाम कर देगा। इस बीच बॉब बार बार रीमा को कॉल करे जा रहा था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि रीमा को जरूर कोई और मिल गया है। अब जैसे तैसे जॉर्ज से छुपकर रीमा उसे खूब सुनाती है, फिर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी रात में लीला को दो पैसे वाले क्लाइंट मिलते हैं, फिर दोनों साथ में मिलकर लीला की बजाते हैं, जिससे लीला को भी मजा आता है। जब वो लीला से गालियों के साथ घपाघप करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे खींचकर थप्पड़ मारती है, जिसका अंजाम लीला की मौत होती है। इसके कुछ दिनों बाद लिली रीमा और बॉब का पैचअप करवा देती है और फिर वो दबाकर संभोग करते हैं। उसी रात जॉर्ज रीमा को बताता है वो एक मिशन पर अफगानिस्तान जा रहा है। उसके अगले दिन रीमा अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां एक डोनर से उसकी मॉम की किडनी मैच हो जाती है, लेकिन उसके पास $50,000 नहीं होते, इसलिए रीमा को जल्दी से अपने काम पर जाना पड़ता है ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। सबसे पहले वो जॉर्ज की डिटेक्टिव के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि अमेरिकन एजेंसी जॉर्ज से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही है और उन्हें लग रहा है जॉर्ज की मौत हो चुकी है। अब यहां रीमा जॉर्ज के सहारे टिकी हुई थी कि वो उसकी मॉम का इलाज कराएगा। इसके बाद रीमा बॉब से मिलती है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है, तो बॉब कहता है तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा जॉर्ज को लेकर बहस होती रहेगी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिससे रीमा बहुत रोती है और जैसे तैसे खुद को संभाल के अपने काम पर वापस आ जाती है, जहां उसे रात में एक अरब देश का प्रिंस मिलता है, जो रीमा की खूबसूरती देखकर पिघल जाता है। जब रीमा को उसने अपने बारे में बताया कि मैं एक प्रिंस हूं, तो रीमा उसके साथ ही निकल पड़ी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, और रीमा के साथ जोरदार घपाघप करता है। अब रीमा के साथ प्लाई करने के बाद प्रिंस बहुत खुश होता है और उसके साथ एक डील करता है कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी झील का पानी सिर्फ मुझे ही पिलाना होगा और कोई दूसरा लड़का तुम्हारे हाथ ना लगाए। अब ये मौका रीमा को दूसरी बार मिला था, तो बिना कुछ सोचे समझे प्रिंस को हाँ कर देती है। अब जो कुछ भी रीमा की लाइफ में हो रहा था वो सब वो अपनी दोस्त लिली को भी बताती है। इसी बीच लिली को उल्टी होती है, तो रीमा कहती है क्या हो गया। लिली कहती है कि कुछ नहीं, बस फूड पॉइजनिंग है। अब इसके
उसके कुछ दिनों के बाद न्यू ईयर आता है तो उस दिन रीमा बॉब से मिलने उसके हॉस्टल में जाती है, जहां उसे हॉस्टल की मालकिन से पता चलता है कि बॉब तो लेली के साथ किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है और मालकिन लेली को ही बॉब की गर्लफ्रेंड बताती है क्योंकि वो अक्सर बॉब से मिलने यहां पर आती थी। अब रीमा समझ जाती है कि ये दोनों मेरा फायदा उठा रहे थे और साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि लेली प्रेग्नेंट है, वो उल्टी कोई फूड पॉइजनिंग की नहीं बल्कि प्रेग्नेंट होने की थी। ये सब जानने के बाद रीमा लेली से मिलने जाती है लेकिन तभी वो उन दोनों को मछली बेचते हुए देख लेती है। ये देखकर रीमा कहती है तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। उसके बाद जब रीमा अपने घर आती है तो टोनी उसे बताता है कि मॉम हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद उन दोनों ने अपनी मॉम का फ्यूनरल किया। वहीं दूसरी ओर हम जॉर्ज को देखते हैं जो इजिप्ट में जिंदा था और अब वो वापस घर आने वाला है। ये बात वो अपने डिटेक्टिव दोस्त को बताता है ताकि वो रीमा से मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता सके। उधर रीमा प्रिंस के साथ कार में घूम रही तभी वो रीमा को अपनी बंदूक देकर कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, और फिर वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहीं जब रीमा उन्हें देखती है तो उसे याद आता है कि ये दोनों वही आदमी हैं जिन्होंने लीला को मारा था, तो रीमा इन तीनों का एक वीडियो बना लेती है ताकि फ्यूचर में काम आ सके। इस रात जॉर्ज घर आकर रीमा से मिलता है। अब जॉर्ज को देखकर रीमा बहुत खुश होती है। इसके बाद जब जॉर्ज नहा रहा होता है तब रीमा जॉर्ज के कपड़ों को उठाकर रख रही होती है। इसी बीच उसे जॉर्ज की पॉकेट से प्रिंस की एक फोटो मिलती है तो जॉर्ज उसे बताता है ये अरब देश का प्रिंस है और वो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक करने आया है। ये जानने के बाद रीमा ने प्रिंस के बारे में जॉर्ज को सब बता दिया लेकिन अब उनका मेन मकसद प्रिंस को पकड़ना था तो इसीलिए उसने डिटेक्टिव के साथ मिलकर रीमा को आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जैसे कि बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज किया जाता है, गन कैसे चलाई जाती है। इसके बाद एक रात रीमा को प्रिंस का कॉल आता है। वो रीमा को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसने टोनी को अपने पास बंदी बनाकर रखा था, इसलिए रीमा बिना जॉर्ज को बताए अकेले ही वहां से निकल जाती है। अब रीमा के आते ही प्रिंस कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे प्यार करता था और तू मेरा ही चूतिया काट रही थी। वहीं जॉर्ज जागने के बाद अपनी टीम के साथ रीमा को ढूंढने लग गया। उधर रीमा ने जैसे तैसे प्रिंस को घायल कर दिया था और टोनी के साथ वहां से भागने लगती है, पर जाने से पहले वो देखती है कि प्रिंस ने उनके एयरपोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाया है। ये सब देखकर रीमा टोनी को वहां से भगा देती है और खुद प्रिंस के बॉम्ब को ढूंढकर अपनी बॉडी में फिट करके ऑन कर लेती है। इसके बाद जॉर्ज को फोन मिलाती है जो कि अब उसकी बिल्डिंग के नीचे आ चुका था और वहीं वो जॉर्ज को आई लव यू कहती है कि तभी वहां प्रिंस अपने साथियों के साथ आ जाता है जिससे रीमा के साथ साथ वो सभी मारे जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।